क्या करे दोस्तों, मेरा हस्बैंड है कि मानता ही नहीं है। पूछती हूँ फियांचे से, लूं या ना लूं? देखो चॉकलेट केक भोग दिया था पहले उनको, अभी दिया गाइस। अब भाई उसके बाद हम लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं फास्ट एंड फ्यूरियस। फिर उसके बाद ओहो यूएस बैंक ऑफ टावर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो हेलो चीका वाला बेबी। चीकू लगी सी बहुत भूखी भूखी, चीकू नु खाना देता सी। हस्बैंड यहाँ बेड पे काम कर रहे हैं। ए टिड्डी फुल क्यों है? क्योंकि चीकू का ना खाना फिनिश हुआ हुआ है एंड मम्मा इसको होम कुक्ड मील दे रही है जिसमें होता है चीकू के लिए चिक्की और चीकू के लिए होती है उसमें कैरेट, पीस, ब्रोकली, लिटिल टर्मरिक, सिनेमन एंड इवन ब्लैक पेपर। एंड चीकू ने इतनी खुश होके खाया है, इतनी खुश होके खाता है ये मेरी होम कुक्ड मील। बट वो कहते हैं कि वो इनफ नहीं होती है इन डॉग्स के लिए, कभी कभी के लिए ठीक है, नॉट फॉर एवरी डे। तेरा फूड लेके आऊंगी ठीक है, तेरे पापा मानते नहीं, कहते बड़ा पैक लेके आना कॉस्को तो बड़ा। मैं कहनी नहीं बड़ा नहीं लाना, चीका नु किबल छोटी चाहिए। फिर कहता चीका तो सोक्ट किबल खाता है, बड़ी हो छोटी हो की फर्क पैदा। मैं कहनी नहीं। क्या करे दोस्तों, मेरा हस्बैंड है कि मानता ही नहीं है। पति देव मेरा व्लॉग देख रहे हैं, इतना बढ़िया ब्यूटीफुल व्लॉग बनाया था ना मैंने अपने चैनल के लिए, अगर नहीं देखा जाकर देखना। इट्स अ टोटली डिफरेंट वाइब, डिफरेंट स्टाइल, गर्ली वीडियोस बनाती रहती हूँ वो भी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कर लो जाकर। मैं ट्राई करती हूँ बाय द वे कि हर अल्टरनेट डे पे वीडियो डालूं, काफी मेहनत चल रही है। ओके देख लेना जाकर। और अब मैं बना रही हूँ फटाफट ब्रेकफास्ट। फिशी के लिए बन रहे हैं स्क्रैम्बल्ड एग्स और अपने लिए मैं बनाऊंगी समथिंग एल्स, पूड़ा और समथिंग। मैं खाऊंगी मसाला ओट्स। फियांशी मेरे को कहता है इसको खिचड़ी मत बोला कर, मैं कहा ठीक है मैं मसाला ओट्स बोल दूंगी। फियांशी के लिए ऑलमोस्ट बन गया ऑमलेट। ये बैठे क्या कर रहे हैं? खाना जब मिल गया है, थैंक यू सो मच बीवी। मेरे को कभी कभी लगता है तो अपनी लाइफ के किसी भी लड़के से खुश नहीं है, न चीकू से न मेरे से। शार्क टैंक का दोस्तों नया सीजन आ गया है, आज ये देखेंगे। मैं सुबह से बैठ के ना इधर उधर चटर बटर लगा हुआ था, लाइफ चल रही थी, थोड़ा थोड़ा नोट्स पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़े हुए सब कुछ। और आज मेरे दो फ्रेंड्स, फ्रेंड और एक फ्रेंड ऑफ फ्रेंड का सेम एग्जाम था जिसकी प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ एंड दोनों फेल हो गए। ईरत मुझे ज्ञान दे रही है और एक के तो मतलब जो मेरे को पता लगा है वो ये कह रहे हैं कि उनके 99 बैक टू बैक आ रहे थे मॉक्स में। तो मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर 99 बैक टू बैक आ रहे थे ठीक है, एक तो ईरत बहुत क्यूट लग रही है, वैसे भी हमारी फिर भी बन नहीं रही, बट अगर 99 आ रहे थे तो मतलब है उन्होंने रट्टा लगाया होगा, समझ के नहीं किया होगा क्योंकि मॉक्स में एक बार टाइम है रेपिटेटिव हो जाता है, दैट पर्सन लॉस्ट बाय 8 मार्क्स एंड 1 पर्सन लॉस्ट बाय 1 मार्क। यूबीसी के एग्जाम्स यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड आउट के भाई मेरे को कुछ तो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कुछ कहीं से क्वेश्चंस मिल जाएं। वहां पे इतने दिग्गज लोग बैठे हैं, इतना बड़ा डिपार्टमेंट होते हैं व्यांशु, एवरी डे का काम होता है उनका ये, इट विल नेवर रिपीट। मैं कॉलेजेस में पढ़ी हूँ, मैं कह रही हूँ व्यांशु पिछले सेमेस्टर में जो पेपर आया सेकंड सेमेस्टर में वो ही आ गया, यूबीसी में नहीं ऐसे हो सकता, नेवर। एक का कमेंट भी आया था कि बताना अपना शेयर करना एक्सपीरियंस डैप का, तुम अपने सीनियर से पेपर ले लो जितने मर्जी से ले लो, पेपर वो नहीं आएगा जो एक बार आ गया दोबारा रिपीट नहीं होने वाले यूबीसी में। दे गोना क्रिएट मोर एंड मोर क्वेश्चंस, इट विल नेवर बी सेम। यूबीसी विल मेक यू थिंक कि नहीं भाई, वी डोंट वांट टू थिंक, बट मैं भी बैठ के पढ़ रहा हूँ। सो इफ यू फेल द एग्जाम वंस देन यू कैन जस्ट गिव इट वन मोर टाइम, उसके बाद अगर आप दो बार फेल करते हो फिर आपको पूरा साल वेट करना है। और अगर आप अभी भी जैसे एक बार ही फेल हो गए तो आप 3 महीने बाद ही दोबारा दे सकते हो। मुझे माफ करना ओम सा। एंड बाय द वे एक और बात बताता हूँ, मैंने और भी बहुत जगह से पता किया है, ये एग्जाम इतना टफ पहले था नहीं, ये अब हुआ है टफ लास्ट 1-2 सालों से, ठीक है ज्यादा मुश्किल हुआ है, उससे पहले इट वॉज स्टिल, और उससे और पहले मतलब 10-20 साल पहले तो और आसान था। गाइस गोइंग टू कॉस्को, बाय। क्यूट ही बन के ज्यादा कुछ किया नहीं, कपड़े पहने हैं क्यूट से एंड हेयर स्टाइल बनाया है क्यूट से, बाय। ऐसी लड़की होती है जो इतनी क्यूट लगती है और यहाँ पति का खून पीती है यहाँ से। गाइस मैं इससे इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ कि मैं इसी को बहुत परेशान कर सकती हूँ उसी प्यार में। टॉर्चर।
टॉर्चर या आंखों के टॉर्चर इज द वर्ड हाउ अबाउट टॉर्चर मैंने आज वीडियो देखी कल जिस इवेंट पे जाने विस्की वाले में पता कौन सी वाली सिंगल पॉइंट पे ला रहे हैं 18 इयर्स 21 इयर्स मैं कहीं अपने सिस्टम में रख सकती हूँ उसको रखूंगी तो गड़बड़ खुले करके छाले हो जाएंगे मुंह में गाइस कल अपने बहुत ही स्पेशल स्वर्ल कर ले स्वर्ल विस्की इवेंट पे जाना है हमें इनवाइट आया हुआ है ठीक है सो डिनर प्लस विस्की टेस्टिंग इवेंट है मेजर व्लॉग मेरे चैनल पे होगा हाउ अबाउट दैट अभी अनाउंस कर देती हूं Go to Costco. आज कुकू अकेले जा रहा है सो गेस करो क्या होगा देयर आर शॉपिंग जस्ट किडिंग दोस्तों थोड़ी बहुत ही शॉपिंग करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे मैं आज ले आऊं टिरामिसू केक आई लव इट और उस पे मैं लिखवाऊंगी हैप्पी 50K क्योंकि कुकू के भी इंस्टाग्राम पे 50K हो गए ये है लंच आज एवोकाडो बनाना स्मूदी दोस्तों आपको थोड़ी और गॉसिप बताती हूँ मैं दोपहर को फिर से मेरे और फियांचू की बहुत ज्यादा घमासान लड़ाई हुई इतनी लड़ाई हुई कि फियांचू ने कहा इतनी प्रॉब्लम है मेरे से तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देती मेरा हर बार इस आंसर का जवाब होता है क्या होता है नहीं छोड़ सकती मैं तुझे और ना ही कभी छोड़ूंगी क्या आप भी ऐसे हो मैंने कहा तेरे साथ ही रहूंगी बट मैं तुझे बताऊंगी भी अपनी चीज नो मैटर कितने मेरे उसके साथ डिसएग्रीमेंट्स हों कुछ कुछ चीजें मुझे उसकी पसंद हैं बट कई कई बार वही सेम नेचर जैसे कहते हैं ना प्यार अपनी जगह बट एक्स्ट्रा प्यार भी थोड़ा सा कई बार वो हो जाता है तो कहते हैं ना कि भाई ज्यादा गुण मिलने भी प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं तो वो क्यों कहते थे कि भाई ज्यादा गुण मिलने इज ऑल्सो प्रॉब्लमैटिक नाउ आई कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दैट हाउ कैन दिस बी अ प्रॉब्लम मर जाऊंगी तो मैं छोड़ नहीं सकती I can die, but I can never leave. मेरा ऐसा वो है साइको लव उसके लिए तो जैसे हमारी लड़ाई हुई उसके बाद मैं उसके पास जाऊंगी क्या पिएगा कॉफी पिएगा चाय पिएगा गुड़ वाली चाय पिएगा बहसबाजी के तुरंत बाद सोचो फिर वो मेरी तरफ देखेगा फिर से आगे मत परेशान कर तू मुझे सॉरी तेरे को तो मेरे साथ ही रहना पड़ेगा तो करते करते हाँ ऐसे मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ और फिर अल्टीमेटली वो थक हार के मेरे को ऐसे कहता है कीरत अंदर से मैं बहुत हर्ट हूँ तेरे साथ बहुत हर्ट और अभी के लिए जाने देता हूँ मेरे को एक और चीज याद आई मुझे कंग्रेचुलेट करना है मेरी केशु दीदी के लिए एंड गौरव भैया को फॉर द न्यू हाउस उन्होंने गृह प्रवेश भी कर लिया है आई एम सो 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 प्राउड ऑफ देम मतलब आई नो आई हैव सीन देम लाइक यू नो ड्रीमिंग अबाउट दिस हाउस और ऐसे था कि पता नहीं कब आएगा जब भी मैं ऐसे मैक्लॉडगंज गई थी किशु दीदी के साथ कहीं पे भी जाना दीदी ने ना अपने घर के लिए कुछ ना कुछ ऐसे लेते रहना और मेरे को कहना ये मैं अपने घर के लिए ले रही हूँ ये मैं इतनी देर से दीदी अपने घर के लिए ऐसी चीजें कलेक्ट करते जा रहे थे और मुझे अब इतनी खुशी मैंने दीदी को बोला मैंने कहा दीदी अब दिखाओ कहाँ कहाँ लगाई वो चीजें जो आपने उस टाइम पे ली थी और मेरे को दिखा दी ये वहां से लिया था ये वहां से लिया था याद है सो प्राउड ऑफ देम मतलब उन्होंने ये कर दिखाया और मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि यार कई बार उनके लिए इम्पॉसिबल था ये बजट पे किशु दी एंड गौरव भैया ने अपना घर लिया है ना उनसे भी अगर पूछो दे नेवर इमेजिन कि ऐसा हो पाएगा मैं आप सबको बस यही मोटिवेशन देना चाहती हूँ कई बार चीजें ऐसे लगती है कि यार हो ही नहीं सकता इम्पॉसिबल है ये तो बट इट्स यू एंड वो भगवान जी आपका साथ जरूर देंगे जब आप बिलीव करोगे कि नहीं यार हो जाएगा किशु दीदी अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो गौरव भैया अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो सो 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 प्राउड ऑफ यू गाइस किसी की आपको बुरी नजर ना लगे आपको हमेशा भगवान जी हमेशा ब्लेस करते रहे By the way, ये प्रोटीन शेकर मैंने फियांचू को उसके बर्थडे पे दिया था इतना बढ़िया है ये इससे कोई ऐसे प्रोटीन की स्मेल स्मूल नहीं आती प्रोटीन स्मूदी या कुछ भी अगर बनाओगे ज्यादा देर उसमें रख दो तो स्मेल आने लग जाती है इफ यू डोंट वॉश इट और एनीथिंग एंड प्लास्टिक में वो स्मेल कहीं ना कहीं रह जाएगी आपकी दिस इज स्टेनलेस स्टील
इतना बढ़िया लगा मेरे को और फियांशु को भी बहुत पसंद है। ये महंगा जरूर आया, $30 का था, बट टोटली वर्थ इट। लिंक मिला इसका तो फियांशु को बोलूंगी कि लिंक डाल दे, ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में। मौसम बाय द वे आज बहुत सुहाना है, बारिश हो रही है, बट इट्स ओनली 9 degrees। को मैं अपने चैनल के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी छोटी सी। चापा जब ऑफिस आवर्स के बाद आऊ ना कॉस्को वगैरह, बहुत रस होता है। आज मैंने सोचा था कि मैं दिन में आऊंगी बट मैं आ नहीं पाई। ओ चढ़ा दी अंकल ने, अपनी ना चढ़ा दी, नहीं चढ़ाई मैंने। और हम ढूंढेंगे अभी पास में पार्किंग। लास्ट टाइम मैंने यहाँ स्लांट में लगा दी थी और मुझे पता है मैंने सामान अंदर गाड़ी में कैसे रखा। स्लांट जो थी रुड़ती जा रही थी की मुलगी मां, क्या बाय क्या बात, डेसु दे नाल ही मिल गई। वाह 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 वाह, ओसम ब्लोसम, मैं कहनी हूं दो दो जगह मिल गई। ठीक ला देने आप सीधा जाके इथे। ओ बैकअप पार्किंग नहीं करनी थी, सीधी पार्किंग करनी थी दोस्तों। परफेक्ट। तो मैं आ गई हूँ कॉस्को में। ब्रेटा का फिल्टर आज सेल पे लगा हुआ है, $33 और खत्म हो गया। वेट इन सोल्स पैक ऑफ टू, $23। माइक्रो मसाज एंड कंफर्ट इन सोल्स, मैजिक बैग वैक्यूम वाले, 15 बैग अंदर पैकिंग वगैरह के लिए, $24। तो सही है यार, पैक ऑफ थ्री $279 का, स्विस गियर का। ओह फास्ट एंड फ्यूरियस मस्टैंग जीटी $39.99 की, भाई क्या गाड़ी लग रही है, सो क्यूट। बार्बी ड्रीम हाउस बंडल डिज्नी प्रिंसेस $29.99 की, कितनी प्यारी है ये। मॉन्स्टर हाई ड्रैकुला रोड ट्रिप $39.97। डिज्नी प्रिंसेस डीलक्स गिफ्ट सेट $29.97। मोनोपोली कॉस्को एडिशन भी आता है, फिशी सी काउच भी आ रखा है, कितना सुंदर है यार ये, लव द कलर। भाई दीज कुकवेयर्स आर माय वीकनेस, 6 पीस दे रहे हैं $449 के। इलेक्ट्रिक बाइक फियांशी जैसी, ये लाइट काफी अच्छी लगी मुझे। पहले तो मैं अपने चीका के लिए डॉग फूड देखती हूँ, 17 किलो का ये। अब भाई ऐसे करती हूँ अटेम्प्ट टू। ओ भाई बहुत जोर के चोट भी लग गई है, नील पड़ गया हाथ पे। अभी महंगी ली थी मैंने पेट स्मार्ट से, यहाँ पे मिल रहा है ट्रेनिंग फ्री $18.99 का, $18.99। पूछती हूँ फियांशु से लूँ या ना लूँ। देखो कितना बड़ा केक, सिर्फ $24.99 का, वाइट केक, चॉकलेट केक। आलू है घर पर, ब्रेड लेते हैं पहले, मिलेंगे सावरडो। कितने सुंदर हैं ये देखो, ऐसे रख सकते हो अपनी चॉपस्टिक। काफी शॉपिंग कर ली है कॉस्को से, अब चलते हैं घर। बहुत जोरदार बारिश हो रही है, पता नहीं कैसे रखूंगी मैं इतना भारी डॉग फूड वाला बैग अपनी गाड़ी में। माय गॉड इतनी तेज बारिश शुरू होगी, जो बाल बने हुए थे सब गच हो गए गच। 3 चीजें एक्स्ट्रा ली है, एक अपने लिए सॉक्स ली है दोस्तों, बिकॉज यू नो आई लव सॉक्स, इतनी क्यूट सॉक्स थी वो कोई हद नहीं। दूसरा मैंने लिया अपने लिए नहीं, एक्चुअली मैंने अर्चू मामा के लिए लिया है दोस्तों। मुझे ऐसे लग रहा है कि अर्चू मामा इज गोना कम इन समर्स, सो मैंने अर्चू मामा के लिए शॉपिंग शुरू कर दी है। देखो भाई कितनी तेज बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है। टेम्परेचर अच्छी बात है, 9 डिग्री चल रहा है, मैं सच में शॉर्ट्स में आया हूँ, ठंड नहीं लग रही,
बट धमाधम बारिश हो रही है। जिम के बाद आपको मिलते हैं, बाय बाय। कल मैंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी चढ़ी थी, आज मैंने इजिप्ट के पिरामिड चढ़ाऊ 44 फ्लोर्स वाले। एक दिन आएगा तुम्हारा भाई कहेगा तुम्हें कि आज मैं बुर्ज खलीफा भी चढ़ गया। सो बुर्ज खलीफा में कितने फ्लोर देंगे देखते हैं। तो मैं कल चढ़ा था ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी 30 फ्लोर्स, फिर आज ये जाओ ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा 44 फ्लोर्स। पिरामिड के बाद हाँ ताजमहल का नंबर आएगा जब भी नेक्स्ट आऊँगा। फिर उसके बाद ओहो US बैंक ऑफ टावर 98 फ्लोर्स, नहीं नहीं ये ज़्यादा हो जाएगा। तो दोबारा ताजमहल करेंगे या फिर ये वाला 69 वाला। पर लेट्स गो टू बुर्ज खलीफा। कहाँ है बुर्ज खलीफा भाई? एलफिल टावर, एलफिल टावर भी चढ़ेंगे भाई। इसके पैसे दिए थे $5,000 दिए थे क्योंकि मेरे को था कि सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, नहीं सॉरी ₹5,000 दिए थे नॉट डॉलर। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की भी जरूरी है चढ़नी, CN टावर ये भी बहुत ज़रूरी है चढ़ना दोस्तों। ये मेरे को पता नहीं भाई, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट भाई। कहाँ है अपना बुर्ज? ओ हो 263 फ्लोर्स। ये तो मेरे ख्याल से साल के एंड का टारगेट होना चाहिए। अभी आई एम स्वेटिंग लाइक क्रेजी। ये देखो शावर कर सकता हूँ मैं, फाउंटेन चल रहा है। दोस्तों जिम के बाद मैं आके नहा लिया हूँ, सारा जो सामान था कॉस्को का वो गाड़ी से भी निकाल लिया है और कीरत ने मेरी ब्लॉगिंग बंद कर दी है। बाय गाइस, टेक केयर। ओह आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। जो थोड़े दिनों से हमारी चल रही थी गर्मा गर्मी वो शायद थक हार के ही ठंडा ठंडा हो रहा। और किसी ने कमेंट आया था चाहे पिटी ऑन दैट पाइनएप्पल। गाइस मैं सच बता रहा हूँ, जब मेरा और कीरत का थोड़ा ऑफ ऑफ चल रहा होता है तो हम भी वो चीजें इंजॉय नहीं कर पाते। बेचारे लाया था, मैं सोचा था साथ खाएंगे, ठीक है हल्का सा एयर फ्रायर में गर्म करूंगा, ऐसे काला नमक डाल के इंजॉय करेंगे, बट आज खाएंगे इसको। आज कीरत ने बनाया है राजमा एंड तू क्या कह रही है मुझे क्या करने को? यार वो शूज कर उठा रहे हो, कुकर ठीक करना है। कुकर ठीक कर दे प्लीज। क्या है कुकर का? कुकर का ना पेच निकल गया, पेच वो नीचे है, मैं तेरे को देती हूँ। ये हैंडल है, ये पेच है इसका, संभाल के रखा है। ये यहाँ जाएगा, अच्छा ऐसे करके अंदर से पेच लगेगा, समझ आ। ब्रिंग माय टूल्स। वो टूल तो खुद, और जब टूल्स निकालेगा टूल को वापस रख दिया कर। कीरत ने अपने पति को ना वो समझ लिया है, वो एक ना बहुत वायरल आजकल चल रहा है जो कुकर ठीक करते से जोर जोर की मार मार के, मतलब 14 मिलियन व्यूज आ रहे हैं उनकी रील्स पे। घर के रास्ते खुल गए, पा पा पा। आपने अगर फाइटर देख लिया तो कमेंट्स में बताना कैसी लगी, हम भी देख के आए थे, हमें ठीक लगी, मतलब वन टाइम वॉच है। तो फिर तालियां मार। क्या इस पे क्या जोक मारा मैंने ये बता? बहुत हार्ड चिका के नया फूड आ गया थी, बहुत हार्ड है। मैं फिर तालियां मार। इतना टाइम हो गया भाई, आधा घंटा तो हो गया होगा। हो गया डन। वाओ फर्क इतना क्या है, हमने रील नहीं बनाई इसकी, वरना हम भी बैठे थे। तो अभी टाइट कर दे भाई, तुम स्लीव हो गया। ये इतने में इतना ही होगा करके मैंने ज्यादा लॉस कर दिया। घर के रास्ते खुल गए दोस्तों, आज तक मेरे साथ मम्मा कॉलिंग मेरे पास कहती है प्रसाद तो नहीं खाना है, मैं कौन सा प्रसाद? कहती हलवा जो घर पे बनाते हैं। मैंने भोग लगाया था उसको बना के, मैंने बाबा जी से प्रे भी करी थी। अच्छा चलो हाँ। बट वैसे बता रहा हूँ अगर घर पे हलवा बनाया तो वो प्रसाद नहीं होता। मैंने तो प्रे करी थी प्रॉपर, फिर वो प्रसाद होगा। चलो भोग दिया था पहले उनको, दिया फिर धीरे ब्रेकअप के बाद हम लोग धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। नहीं हुआ था हमारा ब्रेकअप, एक तो ना मतलब डिसएग्रीमेंट कहते हैं उसको, उसके बाद चार दिन एक डिसएग्रीमेंट चले और उसके बाद बीच में बात आई लड़ाई थी कि मे बी वी आर नॉट गुड फॉर ईच अदर। मैंने तो बताया सबको, तो सारी चुगलियां कर लेती माइके। मैंने रस्ते में पूरा बताया। प्याज 200 रेडी है, डिनर में बनाया बीवी ने चावल, अल्ट्रा स्वाद राजमा। ये देखो ये लड़की आज इन्फ्लुएंसर बन के रहेगी दोस्तों, ऐसे ऐसी रीले बना रही है आजकल मैडम, ऐसे ऐसी रीले बना रही है। चलो इस वीडियो को करते हैं बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आपको लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें बिना नहीं जाना, ठीक है बाय बाय। ओहो कॉलर बोन्स मैडम की, यहाँ पे पानी रख के पी लूं? जा रही है खाने लगी हूं मैं, एक बार से बोल रहा था यहाँ पे पानी रख के पी लूं, फिर मुझे याद है ओ अभी हम इतने क्लोज नहीं हुए दोबारा। बाय गाइस।